राज आनंद सिन्हा एंड वी आर इन आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के दूसरे लेक्चर के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। पॉलिनोमियल्स का सेकेंड लेक्चर डिफाइन करेंगे। पॉलिनोमियल्स के सेकेंड लेक्चर को हम लोग आज डील करेंगे। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है पी एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस पॉलिनोमियल का दो जीरोस निकलता है एंड दैट टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। मान लीजिए इस पॉलिनोमियल का दो जीरो हम लोगों को अल्फा और बीटा मिलता है, तो इस पे दो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था कल कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू जीरोस, और इस दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। दो चीजों को हम लोग डिफाइन किए थे कि द सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू सी बाय ए। और इसी रूट्स के हिसाब से इस पॉलिनोमियल को कुछ ऐसे भी डिफाइन किया गया था कि पी एक्स इज इक्वल टू, आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा आप कुछ इस टर्म पे इसको डिफाइन किए थे के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कुछ इस तरीके से माइनस यहां पर था, दिस वॉज माइनस, दिस इज ऑल्सो द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल का टर्म था। इस तीन कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ द बुक ऑफ आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल की बुक में लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है जब पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर, मतलब पॉलिनोमियल इज गिवन एज 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, दिस इज द पॉलिनोमियल व्हिच इज गिवन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इज द गिवन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। इसका जीरोस निकालना है, जीरोस इज इक्वल टू व्हाट, जीरोस निकालना है, आल्सो वेरीफाई द रिलेशन, आल्सो वेरीफाई द रिलेशन, रिलेशन को वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा आप गौर करेंगे, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, वी आर हैविंग 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो सबसे पहले आपको इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, आइदर इस पूरे टर्म को आप जीरो के साथ इक्वेट कर दीजिए, आप क्या लिखिए 2x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए। आपको जीरोस निकालना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को जीरो कर दीजिए और जीरो के साथ इस इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए आपको, 5 इंटू 2 माइनस 12 लाना है और बीच में 5 लाना है। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, देखिए 24 लाना है, यहां पर 24 लाना है आपको, सॉल्व करना है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। कैसे सॉल्व किया जाता है, आप सॉल्व करने के टाइम इसको ध्यान दीजिएगा कि बीच वाले को प्लस माइनस करने से ये आ जाना चाहिए, मतलब 8x माइनस 3x करेंगे तो 5x आ जाएगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, मतलब इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, इसको मिड टर्म फैक्टराइजेशन बोलते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आप 2x को कॉमन लेते हैं और जब आप इस 2x को कॉमन लेंगे तो यहां से x बच जाएगा और यहां
फोर बच जाएगा। यहाँ माइनस थ्री को कॉमन लीजिए, और जब माइनस थ्री को कॉमन लेंगे तो ये एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो कर दिया। अब आप इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या देखते हैं, अलग अलग इसको इक्वेट कीजिए, टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 बाय 2 आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ x इज 3 बाय 2। ऑल्सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू माइनस 4 आता है। अल्फा, अब आप यहां पर क्या करेंगे, दो वैल्यू आपको मिल गया, x इज इक्वल टू 3 बाय 2 मिल गया और x इज इक्वल टू माइनस 4 मिल गया, तो आप एक वाले वैल्यू को अल्फा और दूसरे वाले वैल्यू को बीटा मान लेंगे। ये जीरोस बोला था, यहां पर बोला था कि जीरोस फाइंड कीजिए, तो आपने दो जीरोस फाइंड कर लिया। अब आपको बोलता है आल्सो वेरीफाई द रिलेशन। वेरीफाई द रिलेशन मतलब क्या होता है कि द पहले आप सम ऑफ द जीरोस निकालिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकाल दें, मतलब आप क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं। अल्फा का वैल्यू आपने कितना निकाला, 3/2 निकाला, और बीटा का वैल्यू आपने -4 निकाला। Alpha is equal to 3/2 and the value of beta is -4. While solving this equation, इसको आप यहाँ 2 लेते हैं, ये 3 और 4 2 जा 8, मतलब -5/2 आए। तो ये -5/2 relation को solve कर रहा है कि नहीं? Alpha plus beta is equal to, ये तो एक और term हो गया। अच्छा, इसी को मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, Alpha plus beta is equal to -b/a होता है, ठीक है? तो माइनस बी बाय ए, ये है ए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो माइनस बी बाय मतलब माइनस बी का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू 2, तो -5/2। देखो ये -5/2 और ये -5/2 सेम आता है, मतलब ये रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं, मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा, when you will write इधर लिखते हैं alpha into beta and the value of alpha into beta is what, alpha into beta is equal to c by a होता है, इस चीज को ध्यान देना। तो alpha into beta, the value of alpha is 3/2 and the value of beta is -4, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 2 times मतलब -6। also alpha into beta is equal to c by a, और इस c by a का वैल्यू भी -6 आना चाहिए। C by A, C का वैल्यू -12 और A का वैल्यू 2, कैंसिल करेंगे तो -6, मतलब this is also verifying the relation। तो आपको इस टर्म पे काम करना पड़ेगा, क्वेश्चंस दिया रहेगा, पॉलिनोमियल का क्वेश्चंस दिया रहेगा, और उस पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को पहले क्या करना है कि जीरो के साथ इक्वेट कर देना, उसका दो वैल्यू निकाल देना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ और फंडामेंटल होता है जो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता रहा हूं। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको करना कुछ ऐसा है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको जीरो के साथ इक्वेट कर देना, उसके बाद उसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद दो वैल्यू निकालना, और सॉल्व करने के बाद जब दो वैल्यू निकल जाएगा तो उसको अल्फा प्लस बीटा में बैठा के देखना और फॉर्मूला में बैठा के देना, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। फिर अल्फा इंटू बीटा करना, उसके बाद उसके वैल्यू को रिलेशन के साथ वेरीफाई करना, दोनों सेम आना चाहिए जो कि आपके क्वेश्चन में बोला है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एक तो और सॉल्व करेंगे हम लोग, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ओके, इन आवर सेकेंड क्वेश्चन इट इज रिटन एज फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यू हैव टू फाइंड when given as the polynomial fx is equal to x square minus 2, fx is given as x square minus 2, you have to find the zeros of the polynomial, iska zeros of the polynomial nikalna hai, aur saath mein verify the relation, verify the relation, you have to find zeros of the polynomial, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वेरीफाई करना है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको जीरो के साथ इक्वेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो।
you have to find, after that you have to find the value of x. यहाँ से x का value find करना, कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास x square दिया हुआ है, x square minus 2 दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि root 2 का square कर लेता हूँ और इसको zero कर देता हूँ. तो x square minus root 2 is equal to 0. You have to, अब formula, यहाँ एक formula है, a square minus b square which is equal to a minus b. Here I will write a minus b into a plus b. A minus b into a plus b formula होता है. तो a square minus b square is equal to 0. You will write a minus b into a plus b is equal to 0. X minus root 2 into x plus root 2 is equal to 0. Now अलग अलग इसको इक्वेट करेंगे तो x माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, ऑल्सो x प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो. आपको यहां से दो चीजें मिलती है, एक x माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो और एक x प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो. तो यू विल गेट x इज इक्वल टू रूट टू, ऑल्सो यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस रूट टू. दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. जैसा क्वेश्चन में दिया था उस हिसाब से दो रूट आपको मिल गया. पहला रूट है प्लस टू और दूसरा रूट है माइनस टू. यहां से आपको ए का वैल्यू, एक चीज मैं और यहां मेंशन कर दू, मैं मेंशन करता हूं ए, द वैल्यू ऑफ ए इज वन, द वैल्यू ऑफ बी इज जीरो, द वैल्यू ऑफ सी इज माइनस टू. ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू जीरो है और सी का वैल्यू माइनस टू है. अब आपको क्या करना है कि रिलेशन को वेरीफाई करना है. यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा के साथ आप काम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज रूट टू प्लस बीटा इज माइनस रूट टू एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जीरो. अब इसको वेरीफाई करें कीजिए, आपके रूट के हिसाब से जीरो आ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाय ए. तो माइनस बी का वैल्यू जीरो, माइनस जीरो और ए का वैल्यू वन, मतलब जीरो, मतलब दिस इज वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो रहा है. अगर मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा मैं बोलता हूं, अल्फा इंटू बीटा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज रूट टू एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस रूट टू. तो रूट टू इंटू रूट टू टू एंड दिस इज माइनस, मतलब माइनस टू, माइनस टू आया, मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, सी बाय ए होता है. तो सी बाय ए का वैल्यू भी माइनस टू आना चाहिए. द वैल्यू ऑफ सी बाय ए, सी इज इक्वल टू माइनस टू और ए का वैल्यू वन, मतलब माइनस टू. दिस इज ऑल्सो वेरीफाइंग द रिलेशन, ये भी रिलेशन को वेरीफाई करता है. तो ऐसे छोटे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं. ये आर एस अग्रवाल की बुक में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आर डी शर्मा में भी ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको. कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कुछ और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल फाइंड करना है. द क्वेश्चन इज रिटन, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल if the sum and the product of the zeros is given. Alpha plus beta, sum of the zeros and the product of the zeros is given. Alpha plus beta is minus 5 and the product is 6. यहाँ पर 6 दिया हुआ है. तो आपको पता है कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल निकालना है तो इस पॉलिनोमियल का एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है प्लस, सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा होता है एक टर्म. अभी हम लोग डिस्कस किए थे कुछ देर पहले. अगर एक्स स्क्वायर इज माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस फाइव दिया हुआ है एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सिक्स दिया हुआ है. तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, इफ यू विल सॉल्व इट
you will get x square plus 5x plus 6 and this is a quadratic polynomial. इसको आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको. सबसे पहले क्या देगा, एक पॉलिनोमियल दे देगा. तो एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर रहे हैं. एक्सरसाइज 1 में 2a लिखा हुआ है. एक्सरसाइज 1 में सम ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी, एक पॉलिनोमियल देगा और बोलेगा जीरोस निकालिए. उस पॉलिनोमियल का आप जीरोस निकालिए. तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, उसका दो वैल्यू निकालेंगे और दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे. जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको जो रिलेशन है उसमें बैठा कर देंगे. मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे और उसके साथ जो वैल्यू आया उसको माइनस बी बाय ए के साथ इक्वेट करके देखेंगे. वेरीफाई होना चाहिए दोनों इक्वेशन एक ही आना चाहिए. फिर अल्फा इंटू बीटा करेंगे. आप अल्फा इंटू बीटा करेंगे और उसके बाद सी बाय ए करेंगे तो वही वैल्यू सेम आना चाहिए. सिमिलरली दूसरे टाइप में क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ही नहीं रहेगा, पॉलिनोमियल नहीं दिया रहेगा, बस दो रिलेशन दिया रहेगा. अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहेगा और अल्फा अल्फा इंटू बीटा का दिया रहेगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया रहेगा. तो आपको पॉलिनोमियल तीसरा टाइप कुछ ऐसा भी पूछ सकता है. देख लीजिए, मान लीजिए द थर्ड टाइप इज, तीसरा टाइप कुछ ऐसा दिया है कि द टू रूट्स डायरेक्ट दे देगा. द टू रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो रूट दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है. द टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज. दो जीरोस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक है मान लीजिए टू और दूसरा है मान लीजिए थ्री. तो फाइंड द पॉलिनोमियल. अब यहां से आपको बोलेगा कि पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए. कैसे आप पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं? तो मान लेते हैं यहां पर अल्फा इज इक्वल टू टू है और बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री. आप खुद से मान लीजिए कि लेट अल्फा इज इक्वल टू टू एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस टू इज गिवन. तो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल निकालना है. एंड यू नो द रिलेशन, द पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ द रिलेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज टू, द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस थ्री इंटू एक्स, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज टू एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस थ्री. व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन, आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर और ये टू माइनस थ्री माइनस वन मतलब प्लस एक्स माइनस सिक्स एंड दिस इज योर पॉलिनोमियल. और ये है आपका पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा. तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से और इतने कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप पॉलिनोमियल के पहले एक्सरसाइज को आराम से बना पाएंगे. पॉलिनोमियल का जो पहला एक्सरसाइज होगा उसको बनाने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा. आप इतने कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, दो फार्मूला को दिमाग में रखिए, सम ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और दो जीरोस सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का रिलेशन क्या होता है, इस चीज को आप दिमाग में रखिए और इस वाले फार्मूला को दिमाग में रखिए. ये पूरा चैप्टर आराम से निकल जाएगा. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा. अगले क्लास में आपके दिए हुए क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे. तो आओ इसके आगे प्रोसीड करते हैं. यहां तक का फंडामेंटल क्लियर होगा आई होप. तो वी हैव टू प्रोसीड फर्दर इन द पॉलिनोमियल.